बड़ी खबर बता देते हैं, एक साथ 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, वृद्ध के संपर्क में आए थे सभी कोरोना मरीज। कुछ दिन पहले हुई थी कोरोना पॉजिटिव वृद्ध की मौत। कुल पॉजिटिव मरीज हुए 122 और एक्टिव केस 96। तो कोरोना को लेकर आपको फिरोजाबाद से बड़ी खबर बता रही है, जहां पर एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और ये सभी 13 लोग वृद्ध के संपर्क में आए थे। और कुछ दिनों पहले ही कोरोना पॉजिटिव वृद्ध की मौत हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव था। तो कुल पॉजिटिव मरीज 122 हो चुके हैं और जो एक्टिव केस हैं वो 96 हैं। तो लगातार तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो केस है वो आगरा में है और कानपुर में है, और वहीं पर अब फिरोजाबाद में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिरोजाबाद में अब जो आंकड़ा है वो 122 पहुंच चुका है। संवाददाता राम मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम मोहन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और वहीं पर फिरोजाबाद में 13 लोग एक्टिव पाए गए हैं, 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी मैं बता दूं, फिरोजाबाद के लिए ये बेहद चिंताजनक बात है कि फिरोजाबाद में लगातार ग्राफ कोरोना पॉजिटिव का बढ़ता जा रहा है। आज इसी में 13 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये पूरा मामला संक्रमण फैलाता फिरोजाबाद में कुछ ही दिन पूर्व एक वृद्ध की मौत हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव, इसकी रिपोर्ट आई थी। वहां पर जो लोग सम्मिलित हुए थे अंतिम संस्कार में, उसमें कुछ महिला और पुरुष थे, उनकी रिपोर्ट ये 13 लोगों की पॉजिटिव आई है। जी जी, और राम मोहन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं, इसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, या फिर कोई बच्चे भी शामिल है क्या इसमें? जी अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितने महिला पुरुष है। अभी तक हमारी जो सीएमओ से बात हुई है, अभी तक कोई महिला पुरुष का आंकड़ा नहीं आया है। केवल ये बताया गया है कि कुछ महिला भी हैं इसमें पॉजिटिव हैं, कुछ पुरुष भी हैं। जी तेरा, ये जो 13 लोग जो पाए गए हैं, कहाँ से मिले हैं, क्या उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या उस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, कोई जानकारी मिल पाई? जी अब तक जो जानकारी है कि जिस इलाके में ये पॉजिटिव पाए गए हैं, वहाँ पूरा सैनिटाइज का काम किया जा रहा है और पूरी सक्रियता से वहाँ स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। हर तरह से पूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। जी शुक्रिया राम मोहन शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, बाकी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस खबर पर। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर फिरोजाबाद में भी अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां पर एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिस इलाके से ये लोग पाए गए हैं पॉजिटिव, वहां पर उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और उस इलाके को सीज करने का काम किया जा रहा है।